नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ कर दिया है। पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले की प्राचीर से इस मिशन की पायलट परियोजना की घोषणा की थी। इसके तहत एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा जो डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम के अंतर्गत स्वास्थ्य से जुड़े अन्य पोर्टल के संचालन को भी सक्षम बनाएगा। ये मिशन आमजन तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने में भी मददगार होगा। आपको बता दें कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत सरकार हर व्यक्ति का यूनिक हेल्थ कार्ड बनाएगी। ये कार्ड पूरी तरह से डिजिटल होगा और देखने में आधार कार्ड की तरह ही होगा। आधार कार्ड में आपने देखा होगा कि जिस तरह का नंबर होता है, ठीक उसी तरह इस हेल्थ कार्ड पर भी एक नंबर होगा जिसके आधार पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यक्ति की पहचान साबित होगी। अगर आपको यूनिक हेल्थ कार्ड बन गया है तो यह आपके और डॉक्टर दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है। इससे मरीजों को तो डॉक्टर को देखने के लिए मेडिकल फाइल ले जाने से छुटकारा मिलेगा, साथ ही डॉक्टर भी मरीज का यूनिक हेल्थ आईडी देखकर उसकी बीमारियों का पूरा डाटा निकाल लेंगे और उसी के आधार पर आगे का इलाज शुरू होगा। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने वो भी आपको सुनवाएंगे। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया है। इसके तहत आप जिस तरह से आपका आधार कार्ड बनता है वैसे ही आपका एक कार्ड बनेगा, यूनिक हेल्थ कार्ड, जिससे आपको बहुत सहूलियत होगी। यानी कि जो मरीज होंगे और जो डॉक्टर होंगे ये दोनों के लिए बहुत फायदेमंद होता रहेगा। इससे आपको अगर इन फ्यूचर अगर आपकी फैमिली में कोई दिक्कत है या आपको कोई दिक्कत है तो आप बहुत आसानी से अपना इलाज करा सकते हैं। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सुनिए। टेक्नोलॉजी के माध्यम से मरीजों को पूरे देश के हजारों अस्पतालों से कनेक्ट करने का जो काम आयुष्मान भारत ने किया है, आज उसे भी विस्तार मिल रहा है, एक मजबूत टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म मिल रहा है। साथियों, आज भारत में जिस तरह टेक्नोलॉजी को गुड गवर्नेंस के लिए, गवर्नेंस सुधारने का एक आधार बनाया जा रहा है, वो अपने आप में जन सामान्य को एम्पावर कर रहा है। यह अभूतपूर्व है। डिजिटल इंडिया अभियान ने भारत के सामान्य मानवी को डिजिटल टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करके देश की ताकत अनेक गुना बढ़ा दी है। हमारा देश गर्व के साथ कह सकता है 130 करोड़ आधार नंबर, 118 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर्स, लगभग 80 करोड़ इंटरनेट यूजर, करीब 43 करोड़ 43 करोड़ जनधन बैंक खाते, इतना बड़ा कनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में कहीं नहीं है। ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर राशन से लेकर प्रशासन तक को तेज और पारदर्शी तरीके से सामान्य भारतीय तक पहुंचा रहा है। यूपीआई के माध्यम से कभी भी कहीं भी डिजिटल लेन देन में आज भारत दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। अभी देश में जो ई रूपी वाउचर शुरू किया गया है वो भी एक शानदार पहल है। इस अभियान के तहत भारत आज करीब करीब 90 करोड़ वैक्सीन डोज लगा पाया है और उसका रिकॉर्ड उपलब्ध हुआ है, सर्टिफिकेट उपलब्ध हुआ है।
तो इसमें कोविन का बहुत बड़ा रोल है। रजिस्ट्रेशन से लेकर सर्टिफिकेशन तक का इतना बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के बड़े बड़े देशों के पास नहीं है। साथियों, कोरोना काल में टेली मेडिसिन का भी अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। ई संजीवनी के माध्यम से अब तक लगभग 125 करोड़ रिमोट कंसल्टेशन पूरे हो चुके हैं। ये सुविधा हर रोज देश के दूर सुदूर में रहने वाले हजारों देशवासियों को घर बैठे ही शहरों के बड़े अस्पतालों के बड़े बड़े डॉक्टरों से कनेक्ट कर रही है। जाने माने डॉक्टरों की सेवा आसान हो सकी है। मैं आज इस अवसर पर देश के सभी डॉक्टरों, नर्सेस और मेडिकल स्टाफ का हृदय से बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हम सब जानते हैं हमारे परिवारों की स्थिति। सस्ते इलाज के अभाव में सबसे अधिक तकलीफ देश की माताएं बहनें ही उठाती हैं। घर की चिंता, घर के खर्चों की चिंता, घर के दूसरे लोगों की चिंता में हमारी माताएं बहनें अपने ऊपर होने वाले इलाज के खर्च को हमेशा टालती रहती है, लगातार टालने की कोशिश करती है। वो ऐसा ही कहते हैं, नहीं अब ठीक हो जाएगा, नहीं नहीं अब ये तो एक दिन का मामला है, नहीं नहीं ऐसे ही एक पुड़िया ले लेंगे तो ठीक हो जाएगा। क्योंकि मां का मन है ना, वे दुख झेल लेती है, लेकिन परिवार पर कोई बोझ आने नहीं देती है। साथियों, जिन्होंने आयुष्मान भारत तहत अभी तक इलाज का लाभ लिया है या फिर जो उपचार करा रहे हैं, उनमें से लाखों ऐसे साथी हैं जिस योजना से पहले अस्पताल जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते थे, टालते रहते थे, वो दर्द सहते थे, जिंदगी की गाड़ी किसी तरह खींचते रहते थे, लेकिन पैसे की कमी की वजह से अस्पताल नहीं जा पाते थे। आगरा के थानाबाद क्षेत्र के गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब क्षेत्र के बटेश्वर के कलिंजर गांव में एक किसान के घर में भरे भूसे में विशाल अजगर बैठ मिला। वहीं घर में अजगर मिलने से परिवार सहित ग्रामीणों में दहशत फैल गई, जिसके बाद अनन-फानन में इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर को रेस्क्यू कर निकाल लिया है। जानकारी के अनुसार बटेश्वर के कलिंजर गांव के राजेश शर्मा रविवार को दोपहर घर के दूसरे कमरे में भरे भूसे से पशुओं के लिए भूसा निकालने के लिए गए थे। इसी दौरान भूसे में बैठे अजगर को देखकर उनके होश उड़ गए और उन्होंने इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अजगर का रेस्क्यू किया। एटा में एसडीएम सदर के आवास में अवैध वसूली करने का एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक वीडियो में दिख रहे शख्स एसडीएम सदर अलंकार अग्निहोत्री के ड्राइवर और अर्दली हैं, जो वीडियो में रुपया लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वह इस वीडियो के सामने आने से एसडीएम कार्यालय में हड़कंप मच गया। बता दें कि माले में कितने और किसके लिए रुपए लिए गए हैं, फिलहाल इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। मामले में एसडीएम सदर ने कार्रवाई करते हुए दोनों को हटा दिया। एसडीएम सदर अलंकार अग्निहोत्री ने बताया कि वायरल वीडियो की जानकारी मिलने के बाद नायब तहसीलदार को जांच कर 15 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश भी दे दिए गए हैं।
गोंडा में एक परचून की दुकान में सिलेंडर फटने से आग लग गई। इस हादसे में एक 11 साल के बच्चे की आग में झुलसकर मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और ड्रग स्क्वाड की टीम सिलेंडर फटने के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। फिलहाल मामले में पुलिस ने बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तरबगंज के पकड़ी बाजार मनहना की ये पूरी घटना बताई जा रही है। फिरोजाबाद में तेज रफ्तार का कहर जारी है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क पर काम कर रहे 35 वर्षीय युवक को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे जाम कर दिया और गाड़ियों पर जमकर पथराव किया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को समझा बुझाकर करीब 1.5 घंटे बाद जाम खुलवाया। फिरोजाबाद के थाना टूंडला क्षेत्र के गाँव मोहम्मदाबाद के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। ये मामला आया है, ब्रिजेश कुमार है, ये डायरेक्ट रोड का मामला है, रोड क्रॉस पैदल में टाटा मार गई है, इसमें टाटा पकड़ के ये बता रहे पुलिस वाले भैया निकल गया पूरा। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये मोहम्मदाबाद के। अच्छा, तो गाड़ी पकड़ी गई है? गाड़ी पुलिस वाले बता रहे हैं, और किसी ने नहीं देखी है कि टोल टैक्स पकड़ी गई है। अच्छा, तो जाम फार्म लगाया गया है? जाम लगाया गया है, क्या आई डी एम को बुलवा लें, आई डी एम को जो खर्च कराएंगे उस बंदे नहीं आपको आप लोगों की मांग जाँच हमारी कुछ नहीं है, आई डी एम जैसा जो कहेंगे उसको होगा। तो उन्होंने एकदम पैर रख दिया रोड पर, तो इन्हें रोड लाइट नहीं दिखाई थी, उस कारण ट्रक वाला एक्सीडेंट करके भाग गया। आगरा की तरफ से आ रहा था, फिरोजाबाद की तरफ से भाग गया। कितनी मौत हो गई है, जाम भी लगा है? हाँ, 1.5 घंटे से जाम भी लगा हुआ है, और दूसरी चीज में मौत भी हो गई, ट्रक उसके सिरस के ऊपर से निकल गया। प्रभाजन क्या मांग कर रहे हैं? मुआवजे की मांग कर रहे हैं इसमें, और बच्चे उनके छोटे छोटे हैं, एक 2 साल की लड़की है, एक 2 साल का लड़का है। हरदोई में किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने वाला आरोपी युवक पुलिस हिरासत से फरार हो गया, जिसके बाद युवक के पिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बता दें कि फरार युवक को एक किशोरी को ले जाने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार युवक 3 दिन पहले थाने से फरार हो गया। इस मामले में पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच आरोपी युवक के पिता का शव गांव के बाहर एक पेड़ से लटका मिला। मामले में परिजनों का आरोप है कि पुलिस फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए उसके परिवार को परेशान कर रही थी। वहीं अब मामले में पुलिस अधीक्षक का कहना है कि मामले में साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सांडी थाना क्षेत्र के आदमपुर गांव का ही पूरा मामला बताया जा रहा है। अंबेडकर नगर में मुख्यालय स्थित तमसा नदी कहर बरपा रही है, जहां नदी के बड़े जल स्तर के चलते कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं, जिसकी वजह से हजारों लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है, खाने पीने का ठिकाना नहीं है, लोग कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। हालांकि ऐसे में प्रशासनिक मदद के साथ ही समाज सेवी भी बाढ़ पीड़ितों की मदद में जुटे हुए हैं। बसपा सांसद देश पांडे ने बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा कर लोगों को राहत सामग्री का वितरण किया। आपको बता दें कि तमसा नदी के उफान ने इन दिनों अंबेडकर नगर में कोहराम मचा रखा है, जिसकी वजह से अकबरपुर शहर मुख्यालय से सटे शहजादपुर इलाकों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। सैकड़ों घर बाढ़ में डूबे हुए हैं, तो वहीं इमामबाग जोहड़ी शहजादपुर रेलवे स्टेशन तमसा मार्ग से ये सभी इलाके पानी की चपेट में हैं। इलाकों में नाव के जरिए लोगों तक पानी की बोतलें और खाने के पैकेट पहुंचाए जा रहे हैं। ऐसे में आज सांसद रितेश पांडे ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और राहत सामग्री का वितरण किया। इस दौरान सांसद ने कहा कि आपदा को लेकर प्रशासन के उच्च अधिकारियों से बात की गई है, प्रशासन को अवगत करा दिया गया है कि लोगों को राशन मुहैया कराने के साथ ही राहत आपदा कोष से लोगों को मदद दी जाए। बाढ़ से प्रभावित लोग हैं अम्बेडकर नगर अकबरपुर नगर पालिका के इर्द गिर्द, वहाँ पे जाकर के लोगों का से जानकारी ली कि उनकी क्या स्थितियाँ हैं, और जगह जगह पे पहुँच करके राशन और खाद्य सामग्री देने का काम किया गया है, और थोड़ा सा पानी भी डाउन हुआ है 3-4 इंच, तो उम्मीद है कि ये धीरे धीरे डाउन होगा। बाकी शासन प्रशासन से हम लोगों की बातचीत भी हुई है, और उनसे मांग की गई है कि यहाँ पे लोगों को जो भी रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं उनको उपलब्ध किया जाए।
पर लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने का काम भी जोरों पर नजर आ रहा है। प्रशासन के साथ साथ कई एनजीओ ऐसे हैं जो लोगों तक नाव के जरिए खाने पीने का सामान पहुंचा रहे हैं। बुलंदशहर में एक देवर ने अपनी भाभी की बेरहमी से पिटाई की, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में आरोपी देवर अपनी भाभी की बेरहमी से पिटाई करते नजर आ रहा है। वहीं मामले में महिला ने लहूलुहान हालत में थाने पहुंचकर आरोपी देवर के खिलाफ तहरीर दी। मामले में पुलिस ने महिला को मेडिकल के लिए भेज दिया और आरोपी की तलाश में जुट गई है। खूजा कोतवाली क्षेत्र के लंकावाली गली अहिर पांडा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जहां पर एक देवर अपनी भाभी को बुरी तरह से पीटता हुआ नजर आ रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। सिद्धार्थनगर के लोहिया कला भवन में आजादी के अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आनंद सिंह ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिरकत की। इस दौरान आनंद सिंह ने किसानों को संबोधित करते हुए किसानों को काला नमक चावल की पैदावार और उनके निर्यात के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि काला नमक चावल की खेती ज्यादा से ज्यादा किसान भाई करें, जिससे काला नमक चावल की पहचान पूरे विश्व में हो। वहीं सांसद जगदम्बिका पाल ने इस दौरान दीप प्रज्वलित कर लोगों को शुभकामनाएं भी दी हैं। सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि अब सिद्धार्थनगर काला नमक चावल से महकेगा। इस दौरान कृषि वैज्ञानिक अधिकारी गण और बीजेपी के जिलाध्यक्ष गोविंद माधव भी मौजूद रहे। भारत के प्रधानमंत्री पिछले वर्ष भी आपको याद होगा लाल किले से कहा था कि अगले वर्ष आजादी का 75 साल, आजादी के 75 वर्ष के पूरे हो रहे हम क्यों वर्ष भर अमृत महोत्सव के रूप में पूरे हो सकते। आपने देखा कि अमृत महोत्सव अगर पूरे वर्ष आयोजित हो रहा है, ये अमृत महोत्सव केवल एक उत्सव के रूप में है, एक केवल आजादी के परंपरागत को रखने की चर्चा के रूप में, बल्कि 75वें उस अमृत महोत्सव में हम हर जनपद को और जनपद के उत्तर प्रदेश को और वर्ष को आत्मनिर्भर कैसे बनाए, जहाँ कोविड की वैश्विक चुनौतियों में उनके 95 हो, पीपी किट हो, वेंटिलेटर्स नहीं बनते थे, तो हमें कोविड की लहर में हम चाइना से पीपी किट मंगा रहे थे। और उस समय जब प्रधानमंत्री ने कहा कि अब भारत को आत्मनिर्भर होना होगा, तो आज 75वें आजादी के इस अमृत महोत्सव में 101 हथियारों को जो अभी तक आज के लोगों के लिए देश की हिफाजत में खरीदा जाता है विदेशों से, अब वो 101 किस्म के हथियार अपने देश में ही बने। सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के आगे से गुर्जर शब्द हटाने का विवाद अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। दादरी से शुरू हुआ विवाद अब गांव-गांव और दूसरे शहरों और प्रदेशों तक पहुंच गया है। बता दें कि रविवार को दादरी में गुर्जर स्वाभिमान महापंचायत का आयोजन होना था, पर प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी, लेकिन गुर्जर समाज के कई संगठन ने पंचायत का आह्वान किया था। बता दें कि यह महापंचायत दादरी के मिहिर भोज कॉलेज में होनी थी, जहां प्रशासन द्वारा भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया, जिसके बाद दादरी से सटे चिथड़ा गाँव में महापंचायत की गई। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में लोग इस महापंचायत में पहुंचे। इस दौरान मुखिया गुर्जर और अवतार सिंह भड़ाना जैसे कई राजनीतिक लोग भी वहां पहुंचे। बता दें कि इस पंचायत में सैकड़ों लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भी ले जाया गया है, जिसको लेकर लगातार ये पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। कानपुर में बदमाशों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं, जहां बदमाशों ने कांग्रेस की महिला जिलाध्यक्ष के ऑफिस में घुसकर उनके साथ अभद्रता की। आरोप है कि गुंडों ने महिला जिलाध्यक्ष के साथ गाली गलौज करते हुए उन पर अभद्र टिप्पणियां भी की। जानकारी के मुताबिक परवेज कुरैशी नामक युवक का महिला जिलाध्यक्ष से किसी बात पर मामूली विवाद चल रहा था, जिसके चलते परवेज कुरैशी ने साथियों के साथ महिला जिलाध्यक्ष के ऑफिस में घुसकर उनके साथ अभद्रता की। वही पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। नौबस्ता थाना क्षेत्र के ड्रीम लॉन की पूरी घटना बताई जा रही है। कृष्णानगर कॉलोनी को नगर निगम में शामिल कराने का मुद्दा शांत होता नजर नहीं आ रहा।
जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे कॉलोनी के निवासियों का गुस्सा भी बढ़ रहा है। कॉलोनी के निवासियों ने हरिद्वार रोड स्थित लोक निर्माण विभाग की अतिथि गृहिणी त्रिवेणी घाट तक रैली निकालकर जनप्रतिनिधियों के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। गांधी स्तंभ पर सांकेतिक रूप से धरना देकर प्रदर्शन भी किया है। मौके पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कॉलोनी के निवासियों का आरोप है कि उनको केवल वोट बैंक के रूप में 3 दशक से यूज किया जा रहा है। 1.5 दशक से स्थानीय जनप्रतिनिधि चुनाव के समय कई बार उनके लोक लुभावने वादे कर चुके हैं जिन पर आज तक वो खरे नहीं उतरे। ऐसे में उनके सामने विरोध के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। जब तक निगम में पूरी कॉलोनी को मिलाया नहीं जाएगा तब तक बहिष्कार चलता रहेगा। मामला देखिए बड़ा तकलीफ की बात है कि विगत 15 सालों से जो हमारे विधायक हैं उन्होंने गरीब जनता के लिए ऐसे जो बस्तियां हैं जो जिनके लिए कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार की नियम लागू नहीं होती, नगर निगम में आज भी शामिल नहीं है, वोट डालने का उनको आज भी अधिकार नहीं है, जबकि लोकसभा विधानसभा वोट हम देते रहते हैं। मगर स्थानीय चुनाव में जहाँ होना चाहिए ग्राम सभा या नगर निगम जहाँ से हमारा विकास होता है विस्तार होता है वो अभी तक हमको मान्यता नहीं मिली। माननीय विधायक से बार बार कहने के बाद भी वो हर बार जब चुनाव आता है तो बोलते हैं अगली बार करा देंगे, अभी वोट दो चुनाव जीतेंगे करा देंगे। पिछले 3 बार उन्होंने ऐसे किया, इस बार तो विधानसभा अध्यक्ष बन गए, सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है, उन्होंने ही वोट लिया है, उनको हम लोगों को नगर निगम में शामिल करा देना चाहिए था, राज्य सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं को हमें दिलाना चाहिए था, वहाँ के एक भी घर में प्रधानमंत्री की शौचालय योजना के तहत योजना थी लागू नहीं कराई इन्होंने, हजारों परिवार आज भी खुले में सोच जाते हैं, शर्म आती है मुझे और मैं तो कतई खुले बोल कर रहा हूँ चंद्रगढ़ वाल का पूरे विधानसभा में करूंगा। आगरा के थाना मलपुरा के मिर्जापुर गांव में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर तेज रफ्तार से आ रहा ट्रक ने एक्टिवा सवार युवक को कुचल दिया जिससे युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक ताजगंज के कोलखा का रहने वाला था। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया के साथ।